प्रिय दोस्तों, जब पाकिस्तानी 24 जंगी जहाज हिंदुस्तान की सरहदों में आके हमारे जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थे उसका विनाश करने की चेष्टा कर रहे थे, तो हमारे देश के वायुसेना के अनंत अनेक असंख्य पूरे हिंदुस्तानी का आशीर्वाद लेते हुए सभी लोग सतर्क थे। और उसमें एक महामानव था जिसका नाम था अभिनंदन। उन्होंने अति जीर्ण शीर्ण प्राचीन जंगी जहाज MiG-21 से उनके अति आधुनिक जहाज़ों का सामना किया, उनको खदेड़ा। और इस जोश और हवास में कि जो कोई भी भारत की सरहद में घुसने की चेष्टा करेगा उसका नामो निशान मिटा जाएगा। दिल दिया है जा भी देंगे ये वतन तेरे लिए, जय हिंद जय भारत जय माता, ये नारा लगाते हुए ओ हमारा अभिमन्यु अभिनंदन F-16 को मार गिराया, लेकिन उसके दूसरे जहाज MiG-21 को भी मार दिया हवा में। वीर अभिमन्यु अभिनंदन पैराशूटिंग करते हुए जमीन पर गिरे और पवन बेग इस तरह से चल रहा था कि उनके पैराशूट को POK पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में गिरा दिया। और उनके साथ जो यातनाएं दिया वहां के लोकल नागरिकों ने देख के रोंगटे खड़े होते हैं। यहां कुछ बातें का मैं विवरण करना चाहता हूं। अगर हमारा वीर अभिमन्यु हमारा वीर अभिनंदन F-16 को गिरा दिया और इसके MiG-21 को पाकिस्तानी जंगी जहाज ने गिरा दिया तो अकेले क्यों थे? उनके पीछे वायुसेना के कुछ और जंगी जहाज होनी चाहिए और उस जंगी जहाज में एक फौज जैसा कुछ 20 25 50 हमारे सैनिक होनी चाहिए जो अत्यधिक अति आधुनिक हथियारों से लैस हो। क्योंकि जब वीर अभिमन्यु अभिनंदन गिरा उसकी सुरक्षा का कोई भी वहाँ वातावरण नहीं था। वो खूनी नरव्याघ्रों से घिरा हुआ था, जय भारत माता की नारा लगा रहा था। माता भारत की वो सपूत संतान जूझ रहा था, लेकिन दुष्ट लोग उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, वो देख के रोंगटे खड़े होती है। परंतु इस भारत माता का सपूत बहुत ही भाग्यशाली थे, पाकिस्तानी फौज के कैप्टन ने आके उनकी जान बचाए और जेनेवा संधि के अनुसार और महान इस भारत माता के सपूत नरेंद्र मोदी के कूटनीतिक के आधार पर कुछ ही घंटों में कुछ ही दिनों में वो फिर हिंदुस्तान वापस आए। मेरे दिल में जो उनके लिए प्यार है, जज्बा है, मोहब्बत है, उसे कोई समझ पाए तो पाए, क्योंकि हमारी नज़र में वो सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद थे और अभी जिंदा हैं और वो हमेशा जिंदा रहेंगे, लोगों की धड़कनों में बसते रहेंगे। प्यारे दोस्तों, लेकिन हमारे ऐसे अनगिनत हमारे सेना के जो हमारे संरक्षक हैं, जवान हैं, उनकी हत्याएं हो रही है सरहदों पर, वो शहीद हो रहे हैं। दुर्भाग्य है कि उनका नाम भी कोई नहीं जानता है। कल ही हमारे 5 जवान शहीद हुए आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में। क्या आपको मालूम है उनका नाम क्या था? वो भी वीर अभिमन्यु अभिनंदन की तरह महान भारत के सेनानी थे। ऐसे अनंत हमारे सेना के जवान शहीद होते जा रहे हैं और हमारे पाकिस्तान के बहन और भाई जो फौज में हैं वो भी कुर्बानी दे रहे हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ दोनों मुल्कों के लोगों से कि कब तक खून बहाओगे, कब तक हमारे बच्चों की हत्याएं होंगी, ये जानवर जैसी विचार तुम्हारे दिल में कब तक रहेंगे? केवल शांति बोलने से शांति आती नहीं, शांति के लिए पहले शांति का वातावरण बनाना पड़ता है। इमरान भाई एक अच्छे क्रिकेटर हैं, उनके दिल में मोहब्बत है, मैं जानता हूँ इस बात को।
वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में वहाँ के जो वजीर आलम वीर योद्धा नरेंद्र मोदी जी हैं उनके साथ बैठ कर शांति की वार्ता करें। लेकिन शांति की वार्ता करने के लिए पहले उपयुक्त वातावरण तो पैदा करो इमरान भाई। वहाँ जो नफरत और नाराजगी से भरे हुए वो जो हमारे कोबराज हैं जो केवल एक ही जानते हैं बेस डालो और मारो, गजवाए हिंद की बात करते हैं, गजवाए कश्मीर की बात करते हैं, उनको तो ये बताओ कि जो अलेक्जेंडर आया पूरी दुनिया का फतह किया, खून की नदियां बहाई, जब वो बदतमीज अलेक्जेंडर मर रहा था तो एक दुनिया को सीख दे के गया, खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा हूँ, ये मेरी सबसे मूर्खता थी कि मैंने हजारों करोड़ों लोगों की हत्याएं कर दी, सारे देश में हमने शासन करने के जो मेरे कुविचार थे आज मुझे सिखा रहे हैं मैंने गलत किया। जब अलेक्जेंडर ये बता के गया तो ये जुल्म इंसान कब सीखोगे, अलेक्जेंडर भी कुछ लेके नहीं गया और वो बदतमीज 35 वर्ष की अवस्था में मर गया। और जो दारिंदे जो नफरत नाराजगी की आग में जल रहे हैं, जो लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, तेरे जिंदगी भी 2 दिनों की है, मारोगे तो मरोगे, मारने वाला मरता है, तलवार लेके चलने वाला की हत्या तलवार से होती है, तोप पर बंदूक चलाने वाला उसी तोप के गोलों से चिथड़े चिथड़े होते हैं। क्यों मरना चाहते हो, साथ आओ, गले लगाओ, मुबारकबाद दो, ईद का जश्न मनाओ, होली और दिवाली मनाओ, एक साथ मिलके, 2 दिन का मेहमान है इस धरती पर, इस धरती पर कोई परमानेंट नहीं, सभी 2 दिन के मेहमान हैं, मोहब्बत प्यार स्नेह सत्यनाय शांति अहिंसा यही इसका सोल्यूशन है, न तो नफरत न तो नाराजगी, सब लोग साथ मिलके चलेंगे यही हमारा विनिवेदन है। लेकिन अगर सुधरे नहीं तो मरने के लिए तैयार हो, मरो मारो, बट शर्म आती है तुम पर, तुम उस माँ के कोख को कलंकित कर रहे हो, वो माँ को जाके पूछो क्या तुम्हें मरने और मारने के लिए पैदा की थी, अरे तुम तो मर जाओगे वो माँ रोएगी, अगर तुम्हारी शादी हो गई है तो बीवी रोएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, शर्म करो ए आतंकवादी, ए दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति, शर्म करो, तुम जिंदा रहोगे दूसरे को भी जीने दोगे, शांति स्नेह का पैगाम फैलाओगे तभी तुम एक महान मनुष्य हो, नहीं तो तुम राक्षस हो और तुम्हारा जीवन क्षण भंगुर है, कुत्ते की मौत मार दिए जाओगे। मैं नहीं चाहता कि तुम मरो, मैं चाहता तुम जियो और दूसरों को भी जीने दो। धन्यवाद, सुधर जाओ।